फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है गोभी 65। आज हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल की गोभी 65 बनाना बताएंगे और ये टी स्नैक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आज हम गोभी 65। गोभी 65 बनाने के लिए मैंने आधे किलो गोभी ली है और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं गोभी को 10 से 15 मिनट तक गर्म पानी में उबालूंगी नमक डाल के। देखिए फ्रेंड्स, गोभी अच्छे से ठंडी हो गई है और गोभी 65 बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने कॉर्नस्टार्च लिया है। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच मैंने फूड कलर लिया है रेड कलर का, और ये मैंने 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। नमक हम स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे और गर्म मसाला मैंने लिया है 1/2 चम्मच, धनिया लिया है, हरी मिर्च ली है और एक कड़ी पत्ता लिया है, और तेल को मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब हम गोभी 65 का घोल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैदा डालेंगे, फिर हम डालेंगे कॉर्नस्टार्च, रेड चिल्ली पाउडर, फूड कलर, हम इसमें डालेंगे नमक बिल्कुल थोड़ा सा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डाल लेंगे पानी, अब हम इसमें डालेंगे गोभी के पीसेस, हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे ताकि जो सारा मसाला है गोभी के अंदर चला जाए। अब हम गोभी को गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। तेल भी गर्म हो चुका है। गोल्डन फ्राई होने तक इनको फ्राई करना है। देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं गोभी हमारे, ये कितना यमी लग रहे हैं। वाओ, लुक सो यमी। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब एक पैन लेते हैं, गर्म होने देते हैं पैन को, फिर हम डालेंगे तेल। अब हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, फिर
इसमें डालेंगे हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला था। गरम मसाला और इसमें डालेंगे टमाटो सॉस, डाल देंगे गोभी फ्राई करी हुई, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं धनिया डाल दूंगी ऊपर से गार्निश के लिए। और ये मैंने अनियन रिंग्स कट करके रखे हैं गार्निश के लिए। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो चुके हैं हमारे गोभी 65। लुक सो यमी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी अपने घरों में एक बार तो ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें और बताएं कि ये कैसे बने हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।